अग्निपथ योजना के बारे में भारतीय वायुसेना ने आज विस्तृत विवरण जारी किया है। तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, एयरफोर्स ने सबसे पहले ये विवरण जारी किया है और कमोवेश एक ही तरह की शर्तें रहने वाली हैं, एक ही तरह के कंडीशंस रहने वाले हैं सभी अग्निवीरों के लिए, चाहे वो वायुसेना में जाएं, थल सेना में जाएं या फिर नौसेना में जाएं। सात पन्ने के इस विवरण की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर तीन पर जो बात कही गई है कि ऑल अग्निवीर्स विल गो बैक टू द सोसाइटी, यानी कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद हर अग्निवीर समाज में वापस जाएगा। अधिक से अधिक 25%, यानी कि हो सकता है कि कभी 20% हो, कभी 22% हो, कभी 21% हो, वो वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन किसी भी बैच के अग्निवीर में से 25% से ज़्यादा को नहीं बुलाया जाएगा। दोबारा ऑफर दिया जाएगा उन्हें कि आप आइए वायुसेना ज्वाइन कीजिए। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर चार, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई है जो कि आज तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने जब मीडिया से बात की तो उस समय भी उन्होंने क्लियर किया था कि अब जो सेनाओं में भर्ती होगी वो अग्निपथ योजना के थ्रू ही होगी, यानी कि पहले अग्निपथ योजना के तहत जिन्होंने चार साल सेवा दी हुई है वही लोग सेना में रखे जाएंगे। एयरफोर्स ने कहा है कि सिर्फ मेडिकल में जो लोग रखे जाएंगे वो इन अग्निवीरों से अलग होंगे और उनकी सीधी नियुक्ति हो सकती है, बाकी सभी के लिए जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर अपनी सेवा प्रदान की है चार साल की, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है यूनिफॉर्म के बारे में कि जो अग्निवीर हैं उनकी एक अलग पहचान के लिए उनके यूनिफॉर्म पर एक अलग तरह का निशान होगा जो उन्हें अलग करेगा बाकी नियमित सेना के जवानों से, कि ताकि उनकी पहचान हो सकेगी कि वे अग्निवीर हैं। चार साल के बाद किन लोगों को रखा जाना है, किन लोगों को वापस बुलाना है, इसके लिए अभी मानदंड तय नहीं किए गए हैं और वायुसेना ने कहा है कि धीरे धीरे समय के साथ इसके लिए मानदंड तय किया जाएगा कि किस आधार पर उन लोगों का चयन किया जाए जिन्हें वापस नौकरी के लिए भारतीय वायुसेना में नियमित नौकरी के लिए पात्र समझा जाएगा। अग्निवीरों को 30 दिन की सालाना छुट्टी मिलेगी और इसके अलावा सिक लीव जो कि डॉक्टर के कहे अनुसार मिलेगी। मेडिकल और कैंटीन की सुविधा अग्निवीरों को सिर्फ तभी तक मिलेगी जब तक कि वे अग्निपथ योजना का हिस्सा हैं, यानी कि चार साल की सेवा के दौरान ही मिलेगी और एक बार ये सेवा पूरी कर लेने के बाद उन्हें मेडिकल या कैंटीन की सुविधा। अग्निवीर यदि खुद चाहें तो अपनी इच्छा से वे सेवा मुक्त नहीं हो सकते हैं चार साल से पहले, लेकिन विशेष परिस्थितियों का एक प्रावधान है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो विशेष परिस्थितियों में अधिकारियों को वो बताएंगे और उस आधार पर उनके केस को देखा जाए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो उनके पेमेंट के बारे में, उनके वेतन के बारे में स्पष्ट हो गई है आज कि ये जो सरकार आंकड़े दे रही थी कि पहले साल में उन्हें 30,000 रुपये मिलेंगे, अगले साल 33,000, फिर तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल में 40,000 रुपये मिलेंगे मासिक वेतन के तौर पर, तो इसमें ये सारा का सारा पैसा उन्हें नहीं मिलेगा बल्कि इसमें से कटौती होगी जो एक कॉर्पस फंड बनाया गया है उसमें जमा करने के लिए। जैसे पहले साल में 30,000 में से 21,000 रुपये जो अग्निवीर हैं उनके पास सीधे पहुंचेंगे उनके खाते में और 9,000 रुपये उनका मासिक कंट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से चौथे साल में 40,000 रुपये में से 28,000 रुपये उन्हें वेतन के तौर पर मिलेंगे और 12,000 रुपये कंट्रीब्यूशन होगा, और जितना कंट्रीब्यूशन अग्निवीर का होगा हर महीने उसी के बराबर कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, और इस प्रकार से चार साल में उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 5,02,000 रुपये। इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, 10,04,000 रुपये की राशि उन्हें मिलेगी और साथ में इस पर मिलने वाला जो ब्याज होगा वो भी उन्हें दिया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी अग्निवीरों को, तो वो भी सरकार ने इसमें लिख दिया है, एयरफोर्स ने इसमें लिख दिया है कि उन्हें किसी प्रकार की ग्रेच्युटी या पेंशन की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जीवन बीमा के बारे में काफ़ी कहा जा चुका है कि 48,00,000 रुपये का जीवन बीमा कवर होगा जो कि यदि सर्विस के दौरान
उनकी किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें उस स्थिति में उन्हें दी जाएगी। यहाँ आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 29 में सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि डिसेबिलिटी के केस में कितना कंपनसेशन मिलेगा, डेथ के केस में कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो ये सारी बातें सबसे आखिर में जाकर के पॉइंट नंबर 29 में क्लियर की गई हैं।